आए हैं बौद्ध नगरियों में से एक कुशीनगर में। जो बेल है ये अष्ट धातु से बना हुआ है। अब हम बैठे हुए कुकुथा नदी के तट पे। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध के पवित्र धरती पर आज भी बौद्ध भिक्षु बुद्धा के शिक्षा अनुसार कड़े नियमों का पालन करते हैं। इस बारिश के मौसम में ये बौद्ध भिक्षु कहीं भी ज्यादा बाहर आते जाते नहीं हैं एवं कड़े तपस्या का पालन करते हैं। इन दिनों ये सुबह सुबह एक दान पात्र, जिसको ये पिंड पात्र कहते हैं, इसको लेके 5 उपासकों के पास जाते हैं, जो अपने श्रद्धा से जो दान देते हैं उसी के ऊपर ये अपने दिन को व्यतीत करते हैं, वही खाना खाते हैं जो इनको भिक्षा में मिल पाता है। हमें यानी करियर काउच की टीम को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्रीमती मॉरिन रॉय के साथ हमने इस पिंड पात्र, इस दान में, इस भिक्षातन में बढ़कर हिस्सा लिया और ये खुशकिस्मती हमें जो प्राप्त हुई, इससे हमें अपार शांति की भी अनुभूति होती है। तो आज हम बात करेंगे एक नई संस्कृति की। जब संस्कृति की बात कर रहा हूं तो बात करते हैं बुद्धिस्ट संस्कृति। बुद्धिस्ट संस्कृति अगर आप देखें इतना सरल है कि इन्होंने अपनी वास्तविक जीवन को बहुत ही सरल अंदाज से रखा है कि जो भिक्षा में प्राप्त हो पाता है बस उसी पर इनकी आजीविका सीमित रहती है। कुशीनगर के इस बुद्धिस्ट प्रांगण में आज हम बैठे हुए हैं, जहां पे आपको मेरे पीछे कई मंक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये बुद्धिस्ट मंक्स अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं। कुछ यहाँ पे बाहर से भी आए हुए मंक्स हैं, थाई हैं, और इस प्रकार से ये लोग एक साथ यहाँ पे बसर करते हैं और यहाँ के लोगों ने इनको पूरी तरीके से स्वागत किया है। आप जैसा कि देख सकते हैं इस मंदिर परिसर में यहाँ पे एक पूरी तरीके से एक सजावट आप दूर तक देख सकते हैं। ये खाने पीने की जो सामग्री है ये मंक्स के लिए है। कहते हैं ये जो मंक्स हैं ये सिर्फ अपरान यानी दोपहर 12 बजे तक जो भी कुछ इनको मिल पाता है उसी पर इनकी आजीविका रहती है। ये सिर्फ 5 घरों में जाते हैं, उन 5 घरों से इनको जो भी आजीविका के लिए मिलता है ये उसी पे भरण पोषण करते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां हमारे जीवन में कई प्रकार के हमारे सपने होते हैं, बड़े बड़े सपने, हम बड़ी गाड़ियों के पीछे भागते हैं, बड़े मकानों के पीछे भागते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वहाँ पे एक ऐसी भी संस्कृति है जो कि हमें बताती है कि मिनिमल लिविंग यानी एक सीधा सादा जीवन को व्यापन कैसे किया जा सकता है, और यही सीखने को मिलता है कुशीनगर की इस धरती पर आकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरी साजो सजा है ये सब कुछ है, ये मंक्स को देने के लिए है, जो कि यहाँ पे टीके रॉय साहब हैं, जो कि वो यहाँ पे एक यूनिट चलाते हैं, उनका एक रेस्टोरेंट है जिसको वो एक दिन पूरा बंद करके हर पूर्णमासी के दिन वो मंक्स को यहाँ पे खाना वितरण करते हैं। कोरोना सबके लिए आया था, परेशानियां सबके घर में आई थी, लेकिन कुशीनगर के लोगों ने अपना साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने अंदर में रहने वाली वो हॉस्पिटैलिटी जिसको कहते हैं, जो मेहमान नवाजी जिसके लिए भारत मशहूर था, वो नहीं छोड़ा। और शायद इसी वजह से कुशीनगर में आज ये बुद्ध संस्कृति आसानी से फल फूल रही है। तो अब हमारे साथ जो मौजूद हैं ये हैं डॉक्टर बंती नंदरतन जी, जो कि श्रीलंका बुद्ध विहार के मॉनेस्ट्री के मंक हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि कुशीनगर में उनकी जो संस्कृति यहाँ पे पनप रही है उसकी वास्तविकता क्या है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। जरा बताएं आप कब से कुशीनगर पे आ रहे हैं, कब से आप यहाँ पे हैं, और यहाँ का आपको आबो हवा वो कैसे आपको कैसे महसूस होता है? धन्यवाद प्राइम टीवी को। मैं कुशीनगर में 95 से हूँ और अपने गुरु अज्ञ महापंडित बदंत ज्ञानेश्वर जी के ही नेतृत्व में हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उन्हीं के नेतृत्व में पला बढ़ा और आज यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापुण्य भूमि है, इसलिए पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। वो जो भी बौद्ध राष्ट्र हैं या बौद्ध अनुयायी हैं वो एक बार इस भूमि का दर्शन करना जरूर चाहते हैं, इसलिए
बौद्ध भिक्षुओं के लिए और बौद्ध देशों के उपासक उपासकों के लिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। इसलिए हम लोग भी बहुत ही अपने आप को गौरव और कुशल कर्मी मानते हैं जो इस स्थान पर आकर के एज ए मंक के रूप में समाज सेवा और धर्म सेवा करने का अवसर मिला है। यह पवित्र भूमि है, इसका जितना भी हम वर्णन करें शब्दों के द्वारा कभी आध्यात्मिक क्षेत्र या भगवानों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो भी बौद्ध राष्ट्र या अन्य जो लोग हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि इस स्थान पर आएँ और तथागत की मैत्री और करुणा के जो संदेश हैं वो लेकर के जाएं कि वर्तमान में आज पूरी दुनिया को इसी की आवश्यकता है और सभी सुखी रहें, दुरोग रहें और भय मुक्त होकर के जो वैश्विक बीमारियां भी हैं उनसे भी अगर आपको निजात पाना है तो बुद्ध के संदेशों को आपको आत्मसात करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने की कि बुद्ध के संदेशों का आत्मसात करना शायद इस वातावरण में इस पैंडेमिक के समय बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। अभी हम आए हैं रामा भार स्तूपा जो कि भगवान गौतम बुद्ध जी की वो जगह है जहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार किया गया था। थैंक यू शिमुल। सर एक बात पूछना चाहूंगा, अयोध्या यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। अब अयोध्या नगरी मतलब हिंदुइज्म, हिंदुवाद, तो क्या सनातन धर्म बुद्धिज्म को अपने में इतनी अच्छे तरीके से समाहित कर पाएगा? टूरिज्म के सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे तकरार की बात तो नहीं नजर आएगी? इतना मेहनत आप लोगों ने किया। जी बिल्कुल, जहाँ तक सनातन धर्म की बात है ये एक वे ऑफ लिविंग कहा जाता है। वे ऑफ लिविंग मतलब आप डिफरेंट विचारधारा को के साथ साथ में चलना और डिफरेंट विचारधारा को एक्सेप्ट करना, जो डिफरेंसेस है उसको एक्सेप्ट करना, इसका अभी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे ज़मीन पे भी आपको नहीं दिखा, कभी कहीं नहीं दिखाई देता है कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के इसमें तकरार हो रहा है। इनफैक्ट जो कनेक्टिंग थ्रेड है स्पिरिचुअलिज्म और योगा मेडिटेशन, यहाँ पे इनफैक्ट दोनों विचारधारा के यहाँ पे मिलना हुआ आपको दिखाई देता है। ये तो हुई टूरिज्म की बात। जहाँ तक हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल पास पास है और एक ही रास्ता भी है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है कि जहाँ पे जिसने सारे धर्मों को अपने में जगह दी है, ये इतिहास गवाह है इसका। लेकिन बावजूद इसके मैं आज भी देखता हूँ कि अयोध्या का जो फंडिंग होता है उसके लिए जो फंड एलोकेशन होता है वो अलग है, लेकिन जब हम बुद्ध सर्किट की बात करते हैं या कुशीनगर की बात करते हैं कहीं ना कहीं हुजूर बहुत देर हो गई आते आते। इसमें तो मैं एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि कुशीनगर एज ए बुद्धिस्ट साइट प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी योजनाएं सरकार के तरफ से दिया गया है और हाल ही 20 करोड़ का वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है कुशीनगर के लिए एलोकेट किया गया है। साथ में स्वदेश दर्शन के तहत भी लगभग 17 करोड़ का प्रोजेक्ट कुशीनगर के लिए हम लोगों ने DPR बनाने का प्रयास में है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो फंड एलोकेशन में कोई ये है। तो सर जैसे कि हमें पता है यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध जी की पार्थिव शरीर को दाह संस्कार किया गया था, तो हमें आपसे और थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानना है। ओके, थैंक यू। भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति के बाद उनको पार्थिव शरीर को हिरण्यवती नदी में नहाया गया था नदी के पानी से, और 500 बार घी और कटन से लेप लगाया गया था। उसके बाद उनको बॉडी को यहाँ पे चंदन का लकड़ी पर सुला के रखा गया था। दाह संस्कार शुरू करने के समय मल्ल राजाओं ने उनको पार्थिव शरीर को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग लग नहीं रहा था। भगवान बुद्ध के कजिन ब्रदर अनिरुद्ध, उनको थर्ड आई ओपन था, तो उनको पूछा गया जे क्यों भगवान बुद्ध के शरीर पर आग नहीं लग रहा है। तो अनिरुद्ध ने बताया आप लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं किंतु आग लगेगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट काउंसिल एट महाकाश्यप बंती 500 भिक्षु को साथ यहाँ आ रहा है, जब तक उन्होंने नहीं आएंगे आग नहीं लाएगा। महाकाश्यप भिक्षु आए 500 भिक्षु संघ के साथ, आके भगवान का चरण के पास बैठ के आशीर्वाद मांगे
कि आगे काउंसिल को अच्छा से ले जा सके, तब भगवान बुद्ध को पेड़ जो है वो चंदन का लकड़ी के अंदर से आके उनको सिर पे ऐसे करके आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने खुशी होके जब भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने टॉर्च को पकड़ाया तो आग ऑटोमेटिक लग गया, तो शरीर संपूर्ण जल गए, राख हो गए। तो उस टाइम में ऊपर से देवता लोग को आशीर्वाद से बारिश आया और आग को बुझाया गया, और आग को बुझाने के बाद में नेक्स्ट डे उनको रेलिक्स को कलेक्ट करके मौल राजा लोग को काउंसिल हॉल में उसको पिक्चर में रखा गया था। वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपने हमें बताया हिस्ट्री। अब हम आए हैं कुशीनगर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित म्यांमार बुद्ध विहार में, और म्यांमार बुद्ध विहार के इस प्रांगण में हम बैठे हैं भिक्षुक ज्ञानेश्वर जी के साथ। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के इस प्रोग्राम पर। आप लोगों का स्वागत है। ज्ञानेश्वर जी, मुझे पहले तो बताएं कि म्यांमार द्वारा ये जो बुद्ध विहार की जो रचना है ये कब हुई और आज के दिन में इसकी स्थिति क्या है? 1876 को खुदाई किया था। 1876 खुदाई करने के बाद सबसे पहले कलकत्ता के खीजारी बाबू है, रखाई बिरादरी के हैं, वो सबसे पहले यहाँ के दर्शन किया। ये तो बुद्ध का स्थान है, बुद्ध लोग बहुत आएगा, इसे हम इसमें जमीन खरीदेगा, धर्मशाला बनाना चाहिए। उसके बाद वापस चला गया। वापस जाने के बाद वह कलकत्ता में खोजते एक भिक्षु मिला, एक भिक्षु महावीर भिक्षु, महावीर भिक्षु का मतलब महावीर सिंह। महावीर सिंह से चीवरधारी हो गया तो महावीर भिक्षु बन गया। बाबू कुंवर से अमर सिंह सेना के सेनापति था, तो यहाँ इंग्लिश से लड़ने पर हार गया, भाग गया श्रीलंका। श्रीलंका से वापस आने के बाद कलकत्ता में मद्रास में मैं खूंट आए, बर्मा का राजकुमार से मिला। बर्मा का राजकुमार ने कहा भाई यहाँ मत रहो, चलो बर्मा चलो। बर्मा भेजा, बर्मा में कुछ सीखने के बाद फिर वापस आया यही शुरू किया। 1880 को। बस गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है कुशीनगर और कुशीनगर के सारे वासी बहुत शांतिपूर्ण रहे, और यहाँ पे जो है जो विकास मैं देख रहा हूँ विकास बढ़ता जाए। बर्मा मंदिर के आगे उत्तर में ली सोन वियतनाम स्थित है। मुख्य मंदिर 2 मंजिला इमारत का है जो चीनी शैली से निर्मित है, जिसमें ड्रैगन की छवियां और बुद्ध को हंसते हुए दिखाया गया है। चीनी मंदिर परिसर में 4 महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल की प्रतिकृतियां भी शामिल हैं, जिसमें लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर है। इसके अलावा वियतनाम में एक बौद्ध मंदिर की प्रतिकृति है। इस मंदिर में कमल के तालाब भी हैं। कुशीनगर स्थित एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से बौद्ध मंदिरों का भ्रमण करते हुए आज हम दर्शन करने पहुंचे हैं जापानी मंदिर में। ये जो पीछे आपको भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है ये पौराणिक बौद्ध आर्किटेक्चर के ऊपर से बना हुआ है। यहाँ पे आपको जापानीज आर्किटेक्चर का काफ़ी नमूना मिल सकता है। अगर आप इसका चूड़ा देखें तो ये चूड़ा बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग है। इस जापानी मंदिर के मुख्य मंक यानी यहाँ के पंथे कहा जाता है, तो प्रमुख पंथे हैं बंथे समेत। बंथे समेत आपको बहुत बहुत प्रणाम और प्राइम टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंथे, आप जरा मुझे बताएं कि इस मंदिर की खासियत क्या है, किस प्रकार से कब ये निर्माण हुआ और आज इसका स्वचालन कैसे होता है? मंदिर का बनाया हुआ 1984 में बनाया, फेब्रवरी 28 में जापान श्रीलंका बौद्ध मंदिर। ये मंदिर का मॉडल है सांची स्तूप का आकार बना हुआ है।
ये विशेष है क्योंकि इसका अंदर ध्यान करने के लिए बनाया है, क्योंकि लोग लोकल लोग भी आ रहा है, बाहर का लोग भी आ रहा है, आकर शांत से बैठकर ध्यान करने के लिए। ये खासियत है ये स्तूप का, ये ऊपर जो बनाया हुआ है ये आर्याष्टांग मार्ग है, जो बुद्ध का जो प्रथम उपदेश दिया हुआ है सारनाथ में धम्मचक्कपवत्तन सूत्र, उसी का आर्याष्टांग मार्ग बनाया हुआ है। ये पुराना स्टाइल से बनाया हुआ है, ये ईटा से बनाया है। ये जापान श्रीलंका बौद्ध मंदिर जापान लोग बनाने के बाद हमारा श्रीलंका का गुरु जी को देने के बाद जापान श्रीलंका मंदिर से नाम से संचालित करता है। अच्छा गुरु जी, ये बताइएगा कि यहाँ पे आपको मैं देख रहा हूँ काफ़ी कमरे भी मौजूद हैं, तो क्या यहाँ बाहर से जो भिक्षुक आते हैं वो यहाँ के आपके रहते भी हैं? जो बाहर से जो आ रहा है जो यहाँ पूजा करने के लिए, वो आकर यहाँ रहकर यहाँ महापरिवान मंदिर वगैरह पूजा करने के लिए यहाँ रुकता है। तो यहाँ कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है? यहाँ 200 लोग को रह सकता है। 200 लोग रह सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा बहुत ही सुंदर तरीके से, अगर आप एक के बाद एक मंदिर देखते जाएं तो सभी मंदिरों का अपना एक संचालन की अपना एक प्रक्रिया है। यहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जो बुद्धिस्ट भिक्षुक हैं वो ज़्यादातर थाईलैंड, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, चाइना, जापान, इन सब जगहों से ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं। और उसी के चलते कुशीनगर में डेवलपमेंट जो है उसका जो स्तर है वो बिल्कुल एक अलग ही दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इन विदेशी मॉनेस्ट्रीज ने कुशीनगर के विकास में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। तो हम एक बार फिर से इस बात की पुष्टि करने के लिए डीएम कुशीनगर के पास चलते हैं। पर्यटक भी आते हैं, उसमें देखा गया है कि ज्यादातर वो मंक्स होते हैं, वो भिक्षुज होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। लेकिन जो जहाँ से जिस सेक्टर से हमें ज्यादा फंड आता है, जो टूरिज्म लेके आने वाले होते हैं, जो इंटरनेशनल टूरिज्म, जो वर्ल्ड टूरिज्म जिसको हम लोग कहते हैं 4% हम अट्रैक्ट करते हैं, सो दिस इज नॉट दैट टूरिज्म वेयर वी अर्न। इससे भारत को या यूपी सरकार को लाभ नहीं मिल रहा है। तो फिर हम इसको FDI को बढ़ाने के लिए या इस पर मॉनेस्ट्रीज को अपने डेवलपमेंट में इंक्लूड करने के लिए क्या कर रहे हैं सर? जो ये जो आपने जो स्टेटमेंट बोला था वो पूरी तरह सही नहीं है। जैसे मोनास्ट्रीज है वो लिमिटेड पीपल को कैटर करने के लिए और लिमिटेड पर्पस को कैटर करने के लिए बना हुआ है। जो ज़्यादा इसमें जो रिलीजियसली इन्वॉल्व लोग हैं जी, मॉन्क्स हैं, बनते लोग हैं, वही लोग आके वहाँ पे रुकते हैं जी। और आने का जो भी है उनका जो बाकी होटल्स हो या उनके रेस्टोरेंट्स, उनकी बाकी जो ज़रूरत है वो लोकल्स से ही कैटर होती है और वहाँ से आते हैं उनका पूरा जो बेनिफिट्स है लाइक एनी अदर टूरिस्ट स्पॉट्स, जो फॉरेनर्स आने से जो मिलता है वो यहाँ पे मिल रहा है। जो आपने पहले सवाल पूछा जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बजट होटल्स, सो हम उस पर फोकस करने की आवश्यकता है, ताकि मॉन्क्स इन एनी केस वो प्रिफर करेंगे कि एक उनके जो उसको सूट करता है वहीं पे वो रुकेंगे। बट क्या हम और टूरिस्ट जो आएंगे, जैसे रिलीजियस टूरिज्म के साथ साथ अपने फैमिली को भी जो लेके आते हैं, ऑलरेडी इनके यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम यहाँ पे उसको डेवलप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं इसके साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा, अंडर दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यूपी गवर्नमेंट, ये ऑनरेबल सीएम सर का जो एक फ्लैगशिप स्कीम है, अब हम आए हैं वाट थाई टेंपल में जो कि थाई किंग के द्वारा निर्मित है। तो हम अपने कैमरामैन रणधीर जी से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ का एक पूरा नजारा आप सबको जरूर दिखाए।
तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ पे है ब्रजेश मणि जी, जो कि कुशीनगर निवासी है। तो ब्रजेश जी, ये खूबसूरत से थाई टेंपल के बारे में हमें और थोड़ा बताइए। आप देख रही हैं कि ये कुशीनगर का जो थाई मंदिर है, ये थाई वास्तुशास्त्र का एक अद्भुत नमूना है। आप देखें जो इसकी छतें हैं, जो इसकी कलाकारी है, जो नक्काशी है, वह बेहद ही आकर्षक है। और इसको थाई महाराज ने अपने देख रेख में इस आर्किटेक्ट को तैयार कराया। 2004 में पूर्ण रूप से बन करके यह तैयार हुआ, आम लोगों के लिए यह खोला गया। और इसकी कहानी यह है कि सबसे पहले जब हमारी सिद्धार्थ नगर में जो कपिल वस्तु है उसकी जब खुदाई कराई गई, तो खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध से संबंधित उनके अवशेष मिले, जो ताम्रपत्र के द्वारा, जब वहाँ की खुदाई में जो ताम्रपत्र मिले उसमें यह पढ़ा गया, तो उससे पता चला कि भगवान बुद्ध से संबंधित ये अस्थि अवशेष हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर को जब अंतिम क्रिया दाह संस्कार किया गया, तो उस राख को 8 भागों में विभक्त करके विभिन्न जगहों पर भेजा गया। एक स्तूपा हमारा वहाँ भी है कपिल वस्तु में। तो कपिल वस्तु के उत्खनन के दौरान जो रिलिक मिली, उसको थाई गवर्नमेंट को, तत्कालीन हमारे भारत सरकार ने उनको गिफ्ट किया। तो ब्रजेश जी बताइए इस जगह के बारे में। ये आप देख रही हैं, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। इसे आप, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है, इसमें आप ऊपर देखें, कैमरा मैं चाहूँगा कि ऊपर ले जाएं, वो जो घंटी टाइप दिखाई दे रही है बेल की आकृति की, उसके अंदर एक जो है कास्केट है, उसमें जो है भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे गए हैं। और फिर ये जो पाए हैं, इसके बीच में काला रंग का दिखाई दे रहा है एक कास्केट, इसमें थाई के राजा के, किंग के सर के बाल जो है रखे हुए हैं, रामानाइन के, जो रामानाइन वहाँ के राजा थे, अभी दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके सर के बाल वहाँ रखे गए हैं। थाई में यह परंपरा है कि वो एक बार बौद्ध धर्म में, जैसे सभी लोग आम जो है बनते भिक्षु बनते हैं, वैसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत वो एक बार अपने जीवन काल में कुछ समय के लिए ही वो बौद्ध धर्म के जितने भी हैं उपदेश, उसके नियमों के अंतर्गत उन जीने का प्रयास करते हैं, 1 महीने 2 महीने जितना दिन वह निर्धारित करें। तो भूमि पर शयन करना, एक समय जो है भोजन करना, और परिवार से दूर रहना, भिक्षाटन करना, ये सारी चीज़ें जो है ये लोग भी, राजा भी वहाँ के ग्रहण करते हैं। वॉल पर जो है जो पेंटिंग की गई है, ये बनारसी साड़ियों का ये कलाकृति है। ये दिखाया गया है कि भारतीय जो हमारे आर्ट हैं उसको थाई कल्चर के साथ कैसे मिक्स करके इसको प्रदर्शित किया गया है। आप देखें दीवारों पर, और ऊपर जाएं तो दीवारों पर हाथ जोड़े मूर्तियां, 108 मूर्तियां आपको दिखाई देंगी, पूरा 108 मूर्तियां चारों तरफ हैं, जो भगवान बुद्ध के समक्ष ये सभी पूर्णतया जो है उनके पूजा में जो है लीन है। बहुत ही सुंदर। तो विजय जी, इसके मेंटेनेंस किसके हाथों में है? इसके मेंटेनेंस के लिए जो थाई भंते लोग हैं, उनको, उनका सामंजस्य जो है राज परिवार के साथ बना रहता है। राज परिवार की देख रेख में यहाँ यहाँ के भंते लोग ही इसकी देखभाल करते हैं। दोस्तों, कुशीनगर के पावन धरती पे पांव रखते ही मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी ऐसी जगह पे आ रहा हूँ जहाँ खुद को ये विश्वास नहीं हो पाता कि मैं भारत में हूँ या किसी विदेश में। यहाँ का जो डेवलपमेंट है, यहाँ जिस प्रकार की बदलाव में देखने को मिल रही है, वाकई काबिले तारीफ है। इसके पीछे कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कैमरे के पीछे ही रहना पसंद करते हैं, ये लोग सामने कभी नहीं आते। लेकिन अगर इनका नाम ना लिया जाए तो शायद ये हमारे प्रदेश के साथ बहुत बड़ी बेमानी होगी। इन्हीं चेहरों में से एक चेहरा है पूर्ण बोरा जी। तो 2018 बैच के आप IAS हैं और फर्स्ट पोस्टिंग आपकी कुशीनगर, एकदम से इतना बड़ा चैलेंज, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी हाँ, मेरा लगभग यहाँ पे 1 साल का कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे टेन्यूर, मेरा पहला पोस्टिंग है। तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है अब तक, जैसे कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे काम करने का। तहसील के साथ साथ यहाँ पे कुशीनगर स्पेशल विकास प्राधिकरण है, जहाँ पे कुशीनगर का डेवलपमेंट का काम का योजना तैयार करना, उसका एग्जीक्यूट करना का रोल आते हैं, होते हैं। साथ में यहाँ पे नगर पालिका का भी चार्ज है, जहाँ पे नगर से जुड़े हुए जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करना,
साथ में यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन चुके हैं, वहाँ के लिए लैंड एक्विजिशन और बाकी जो भी समस्याएँ आते हैं उसको मॉनिटर डायरेक्ट मॉनिटरिंग का रोल है। और बाकी सबसे ये इम्पोर्टेंट तो बोलूँगा कि जो कोरोना टाइम पे जो हेल्थ सेक्टर से काफ़ी करीब से देखने का मौका मिला, वहाँ पे जोड़ते हुए देखने का काम मौका मिला, तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरा लास्ट एक साल का। ग्रेट। कुशीनगर की यात्रा करते करते हम अब आ चुके हैं बुद्धा घाट पे, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध स्थल है बौद्धिस्म के लिए। तो हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं पूर्णा जी के साथ। पूर्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस अपने साथ दिखा रहे हैं और इसकी अहमियत बता रहे हैं। तो चलते इन्हीं से पूछते हैं इसकी इस जगह की अहमियत। जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नदी है ये हिरण्यवती नदी है, जो बुद्धिस्ट बुद्ध धर्म के लिए एक पवित्र नदी माना जाता है। तो ये जो घाट दिखाई दे रहा है ये बुद्धा घाट है, जहाँ पे भगवान बुद्ध का अंतिम बॉडी को यहाँ पे नहला के बगल में आपका रामाभर स्तूपा है, जहाँ पे वहाँ पे दाह संस्कार किया गया था। तो ये जो बुद्धा घाट है ये बुद्धा धर्म के लोगों के लिए काफ़ी पवित्र माना जाता है। ओके, तो जैसे कि हमने सुना है कि ये पहले इतना डेवलप नहीं था, तो आपने इसके ऊपर पिछले एक साल से काफ़ी काम किए हैं, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ये जो हिरण्यवती नदी है इसका साइड में दोनों पाथवे में पाथवे का डेवलपमेंट का काम चल रहा है। एक हम लोग का एक योजना है कि हम लोग एक बुद्धा मार्ग बनाएंगे। आपका ये जो बुद्धा मार्ग होगा लगभग 4 किलोमीटर का होगा। एक पॉइंट आपका हिरण्यवती घाट है और दूसरा साइड करुणा सागर है और बीच में ये बुद्धा घाट है। दोनों पॉइंट को मिला के लगभग 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसमें हम लोग पाथवे बनाएंगे। और पाथवे साथ में आपका जो ये नदी का दोनों साइड का स्लोपिंग भी होगा, और स्लोपिंग करके हम लोग यहाँ से वहाँ तक मोटर बोटिंग या पैडल बोटिंग और अदर जो वाटर एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर प्रमोट करेंगे। साथ में हम लोग का ये भी प्रपोजल है कि जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इस एरिया में टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़े, यहाँ पे फाउंटेन का प्रपोजल है, इस तरफ का अलग अलग योजना है कामों का। वाओ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं रंधी जी से जो ज़रूर बोलूँगी वो एक बार आपको दिखा दे कि यहाँ पे ये जो लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है, ये जो टूरिस्ट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही पूर्णा जी के काम जो इन्होंने डेवलपमेंट किया है उसी के तहत हुआ है। तो पूर्णा जी, मैं आपको और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस स्पॉट को, इस प्रसिद्ध जगह को, जगह के ऊपर आप लोगों ने बहुत काम किया है और इसको एक टूरिस्ट सेंट्रिक स्पॉट बनाया है। तो हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर एंटायर टीम। थैंक यू सो मच। हम हैं यहाँ हिरण्यवती नदी के तट पर। हिरण्यवती नदी का अपना एक पुराना एक इतिहास है। कहा जाता है कि यहाँ के जो मल्ल राजा थे उनके जब राजकुमारों की जब ताजपोशी होती थी या जिसको मुकुट बंधन कहते हैं, तो उसके पहले उनको यहाँ स्नान कराया जाता था। उस स्नान के तत्पश्चात ही उनका मुकुट बंधन होता था। फिर जब भगवान गौतम बुद्ध यहाँ पे आए तो उन्होंने महापरिनिर्वाण स्थल पर उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया। उसके तत्पश्चात जब उनके दाह संस्कार के पहले उनके शव को यहाँ पे लाया गया था, उसका स्नान कराया गया था, उसके बाद यहाँ से रामाभार घाट पर ले जाके उनका वहाँ पे दाह संस्कार हुआ था। आज जब हम कुशीनगर में आते हैं तो इस नदी की रूपरेखा काफ़ी बदली हुई है। बहुत सुंदर तरीके से इसके दोनों तरफ एक वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है और ये वॉकिंग ट्रैक जो है सीधे चलते चलते हमें ले आता है बुद्ध घाट तक। तो पूना जी, आप मुझे ज़रा बताएं आप किस प्रकार से आगे की योजना को देखते हैं यहाँ से। आपने जैसे बताया कि ये जो स्पॉट है, ये जो जगह है,
ये रिलीजियसली काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है बुद्धिस्ट समाज के लिए। तो साथ में ये हम जो नज़रिया से देखते हैं एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं, जिससे हम लोग का लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल इकोनॉमी बूस्ट होंगे। तो उसको नज़र रखते हुए ही हम लोग ये जो नदी है, हिरण्यवती नदी है, यहाँ पे इसके साइड में दोनों साइड एक बुद्धा पाथ हुए लगभग, ये इस साइड में लगभग 1.5 किलोमीटर है और इस साइड 1.5 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर एक साइड में है और दोनों मिला के लगभग 6 किलोमीटर होगा। ये एक वॉकवे बनाया जा रहा है जिसमें शाम को और सुबह यहाँ का लोग और जो भी टूरिस्ट आएंगे यहाँ पे वॉक कर पाएंगे। और पाथवे के दोनों साइड हम लोग अलग अलग तरह की पौधे लगाए जा रहे हैं, जैसे फॉक्सटेल हो गया, अशोका हो गया, गुलमोहर, बगनवेलिया, इस तरफ अलग अलग कलरफुल पौधे लगाए जा रहे हैं। साथ में ये जो पाथवे है इसके बगल में एक मियाबाकी फॉरेस्ट, जो जापानीज कॉन्सेप्ट है, वो बनाने का हम लोग का योजना है कि पाथवे के बगल में एक पूरा फॉरेस्ट 1.5 किलोमीटर का फॉरेस्ट बनेगा। और ये जो नदी है, नदी के दोनों साइड स्लोपिंग होगा और नदी में अलग अलग का वाटर एक्टिविटीज़ होंगे, जैसे कि यहाँ पे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट होगा, फाउंटेन होगा, सो दैट यहाँ पे लोकल इकोनॉमी बूस्ट हो, लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और साथ में यहाँ पे बता दूँ, 1 जनवरी को कुशीनगर का एक मेला लगते हैं। हम लोग का ये योजना है कि जो अगले बार जो मेला होगा ये पाथवे में होगा, यहाँ पे अलग अलग फूड कियोस्क बनाया जाएगा, तो यहाँ पे लोग मेला जो होस्टिंग होगा यहाँ पे होंगे, ये हम लोग का परिकल्पना है अब तक। बहुत खूब। सर, तो हम एयरपोर्ट को कब से हम ऑपरेशनल देखते हैं? एयरपोर्ट फंक्शनल होने के लिए पूरी तरह रेडी है। अब एक बार अप्रैल महीने में सिंगापुर, श्रीलंकन एयरलाइन से एक एयरलाइन को यहाँ पे लैंड करना था, बट कोविड सेकेंड वेव के नाते वो फिर नहीं हो पाया। सो एनी टाइम इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि जो टर्मिनल बिल्डिंग है दैट इज़ रेडी, रनवे आपका रेडी है, बाकी सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस होना चाहिए इंक्लूडिंग इमिग्रेशन का जो सेटअप है वो सब तैयार है। जैसे ऊपर से हमें नॉड मिल जाएगा तो तुरंत ये फंक्शनल हो जाएगा। कुशीनगर को मैं जितना जान रहा हूँ, कुशीनगर मुझे उतना ही सरप्राइज करता है। इतने कम समय में एक छोटा सा शहर लेकिन पौराणिक, यहाँ पे बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मंक हैं, जो भिक्षुक हैं, वो बाहर बाहर से आते हैं और यहाँ पे न सिर्फ वो लोग काफ़ी समय बिताते हैं बल्कि ये एक पार्ट हो चुका है जो बुद्धिस्ट ट्रेल है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कुशीनगर। आज इतनी जल्दी में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण होना अपने आप में चौंकाने वाला है। आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं पूर्णा जी से। पूर्णा जी। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली दिस कुशीनगर जो बुद्धिस्ट एक इम्पोर्टेंट साइट है, तो यहाँ पे जो जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है वहाँ से टूरिस्ट आते हैं, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये सरकार का हमेशा ही मंशा था कि क्यों ना यहाँ पे टूरिस्ट को और प्रमोशन देने के लिए हम लोग और कनेक्टिविटी को आसान किया जाए। तो इसी को देखते हुए कि डायरेक्ट जो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, तो इसी पर्पज़ को देखते हुए 2019 में इसका रनवे कंप्लीट हो चुके थे और लास्ट ईयर लगभग सभी, ऑलमोस्ट सभी काइंड ऑफ जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्लीट हो चुके थे और इस साल एट प्रेजेंट ये कम्प्लीटली रेडी फॉर फंक्शनल है। अभी पूरा लगभग जल्द ही इसका शुरुआत होने वाला है। और एयरपोर्ट के मैं बता दूं, ये लगभग 3.2 किलोमीटर्स का ये रनवे है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट। एंड जो एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया 650 एकड़ की ये लैंड पे ये विस्तारित है, तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट। साथ में ये जो आपका एप्रॉन है, ये एप्रॉन एरिया में लगभग 5 बोइंग 737-900 एयरक्राफ्ट एट ए टाइम लैंड यहाँ पे रह सकते हैं।
तो इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट। एंड ये जो टूरिस्ट है, हम लोग का ये मंशा है कि जो भी फॉरेन टूरिस्ट है पहले कुशीनगर में लैंड करे, क्योंकि कुशीनगर का एक लोकेशनल एडवांटेज है। तो ये जो बाकी टूरिस्ट बुद्धिस्ट साइट्स है यहाँ से लगभग सेम डिस्टेंस पे है। अगर बोधगया की बात करें, आपका सारनाथ की बात करें, श्रावस्ट की बात करें, तो यहाँ लुम्बिनी पास में है, तो यहाँ लैंड करके बाकी जगह में टूरिस्ट जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ से टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा, कुशीनगर का लोकल डेवलपमेंट टूरिज्म प्रमोट होगा। इसी मंशा को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस एयरपोर्ट को जल्द जितना जल्द से जल्द हो सके फंक्शनल करने का प्रयास किए थे। पूर्णा जी, मुझे एक बात बताइए, ये तो अब एयरपोर्ट हमें पूरा तैयार दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ मुझे पता है कि काफ़ी यहाँ के जो आप पहले हम लोग एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ की मैं पिछली बार बात कर रहा था, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा था, तो उसको भी कुछ शोकेस करने के लिए क्या आपने अंदर एरिया को छोड़ रखा है? डेफिनेटली एयरपोर्ट के अंदर में हम लोग लोकल कुशीनगर का जो भी प्रोडक्ट है, स्पेशली हम लोग ऑडियो की अगर बात करें, जो हम लोग बनाना और बनाना फाइबर है उसका लोकल मेड जो भी प्रोडक्ट है, हम लोग का यहाँ पे लोकेशन हम लोगों ने लिए हैं, वहाँ पे हम लोग शोकेस करेंगे जो भी फॉरेन टूरिस्ट आएंगे। और एक चीज़ बता दूँ, कुशीनगर का एक स्पेशल फेमस चीज़ है कुशीनगर छेना, तो उसको हम अभी प्रमोट कर रहे हैं कि कुछ जो भी फॉरेन टूरिस्ट आएंगे यहाँ से वो छेना लेके जाएंगे, तो स्पेशल पैकेजिंग करके हम आप वो छेना कह रहे हैं, छेना कह रहे हैं उसका जो आपका पनीर से बनता है, पनीर से बनते हैं, ये बहुत स्पेशल चीज़ है, बहुत टेस्टी होते हैं। तो यहाँ से हम लोग वो स्पेशल पैकेजिंग करके हम लोग का ये मंशा है कि जो भी टूरिस्ट आएंगे फॉरेनर्स लेके जाएंगे, हम लोग यहाँ पे भी रखेंगे और फ्यूचर में हम लोग उस प्रोडक्ट को GI टैग देने का भी कोशिश करेंगे। तो यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो पता चलता है वहाँ के कल्चर के बारे में। लेकिन जी हाँ, बहुत जल्द अब आप अपने शहर से एक फ्लाइट लेकर कुशीनगर में सीधे लैंड कर सकते हैं और देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं वो जगह जो कि बौद्धिक विचारधारा के साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई है। गौतम बुद्ध यहाँ पे कण कण में बसे हुए हैं। तो जी हाँ, लैंड ऑफ कुशीनगर वेलकम्स यू। तो दोस्तों, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हम ढूंढते हुए ज़रूर पहुँच जाते हैं वहाँ के स्पेशलिटी के ऊपर। तो यहाँ का जो स्पेशल फूड है छेना, एक छेना से बना हुआ एक मिठाई यहाँ की स्पेशलिटी है। और हम ढूंढते ढूंढते पहुँच गए हैं किशोर स्वीट शॉप पे। चलिए पूछते हैं इनके ओनर से कि इस स्वीट में ऐसा क्या खास है। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए हमें। जी, ये दूध से ही, दूध और चीनी से ही बनता है और इसको हम छेना बनाते हैं। छेना को बढ़िया से उसको पीस में काट कर और जैसे रसगुल्ले पकते हैं उसी तरह से इसको भी हम बनाते हैं। तो आप बोलना चाहते हैं कि ये यहाँ की बहुत ही पुराना, सबसे पुराना मिठाई है? अच्छा, 50 बरस पहले से, मान के चलिए लगभग 50 बरस मतलब से ये स्टार्टिंग 4 रुपये किलो से स्टार्ट हुई है। बहुत भीड़ होती होगी यहाँ पे? यह है, इसी के लिए लोग कैसे आते हैं, तो जरूर निश्चित है कुशीनगर में आने का मतलब कि खुरमा उनको खाना ही खाना। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो क्यों ना ट्राई किया जाए इस स्पेशल डिश का, कुशीनगर का छेना खुरमा। पनीर का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है, तो छेना इसी को बोलते हैं, छेना की मिष्टी इसीलिए बोलते हैं। मैं अगर थोड़ा सा याद करूँ तो कोलकाता में एक मीठा बनता है गौजा, तो ये बहुत ज़्यादा उसके साथ रिजेंबल करता है। तो जैसे कि मैंने अभी अभी ये खुरमा ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी था। तो मेरे साथ बैठे हुए किशोर जी, जिन्हीं के नाम पे ये शॉप खुला है, और किशोर जी कुछ बताइए कि ये आपने कहाँ से आविष्कार किया इस डिश को? इसको जो दूध फट गया उसको हमने उसको दाब दिया पनीर जैसा, और दाब करके उसको चीनी में पका दिया, तो चीनी में पकाए तो हमको बहुत बढ़िया लगा, तो इसको हम प्रचार करने लगे। तो धीरे धीरे खुंचा पर बेच रहे थे परात में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कचहरी में वकील साहब और लोग को खिलाए, कहे बहुत बढ़िया है, तो हमने बनाने लगा। तो इस परंपरा को निभाते हुए है ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग और अच्छे अच्छे डिशेज बनाएं और लोगों को खिलाते जाएं।
हम आए हैं कुशीनगर के विधायक श्री रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी के आवास पर। दोस्तों, जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार की डेवलपमेंट हमने कुशीनगर के क्षेत्र में देखा, उसका ब्यौरा तो हम पूरे कार्यक्रम में देते गए। लेकिन इस डेवलपमेंट के पीछे जो लोग रहे, अब हम उनसे पूछते हैं कि आने वाले वर्षों में यहाँ पे और हम क्या क्या हम बढ़त देख सकते हैं, यहाँ का विकास और किस दिशा में होने जा रहा है। तो त्रिपाठी जी, पहले तो प्राइम टीवी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी ढेर सारी शुभकामना और नमस्ते। त्रिपाठी जी, मैं जानना चाहूँगा कि आने वाले 10 वर्षों में, क्योंकि कुशीनगर तो ऑलरेडी विकास के राह पर बढ़ चुका है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैंने सोचा था मैं सिर्फ यहाँ मॉनेस्ट्रीज और लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, यहाँ जो डेवलपमेंट देख रहा हूँ, या वो जो पुरातत्व विभाग के अंदर में आती हैं और जो उनके पास नहीं भी हैं, वो जिस तरीके से विकास हो रही है, वाकई हम बहुत आशान्वित हैं कि यहाँ बहुत जल्दी बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। आप थोड़ा समय विस्तारपूर्वक बताएं कि आने वाले समय में हम यहाँ और क्या क्या देखने जा रहे हैं। देखिए, जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी, 2017 में योगी जी की सरकार बनी, तो हम लोगों ने एक विषय लिया था कि तीर्थ स्थलों को कैसे हम डेवलप करें, कैसे आगे ले जाएं, कैसे उनको सुंदर बनाएं, कैसे उनको बेहतर बनाएं, और जो हमारा बुद्धिस्ट सर्किट है उसको कैसे विकसित करें, और इसके लिए अलग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम भी लिया था। तो उस योजना के तहत हम लोगों ने कुशीनगर का चयन भी किया कि कुशीनगर को कितना बेहतर और कितना सुंदर बना सकें, क्योंकि इसके पहले जो सरकारें थीं उनका तीर्थस्थलों के प्रति या मॉनेस्ट्री के प्रति या ऐसे स्थलों के प्रति जो पर्यटन को जिससे बढ़ावा मिलता है उस पर उनका ध्यान नहीं था। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर पूरा ध्यान दिया और उसी क्रम में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि कुशीनगर को बेहतर बनावें, सुंदर बनावें, आकर्षक बनावें। और जो मुख्य विषय हमारा है कि यहाँ पर्यटक आवें तो रुकें, उनका ठहराव हो, ये हमारा मुख्य बिंदु है। अच्छा त्रिपाठी जी, एक बात अगर मैं पूछूँ कि अयोध्या यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अयोध्या अब तो हमारे हिंदुत्व की नींव में बसा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आने वाले समय में हिंदुत्व और बौद्ध विचारधारा हम एक ही सुर में बोल पाएंगे? देखिए, सब लोग हिंदू हैं और कुछ लोग होंगे जो अलग करते हैं कि हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अलग हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना अपना है, बाकी किसी का अपना विषय होगा, कि हम सब लोग बस एक व्यवस्थाएं हैं, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई सिख धर्म को मानता है, ये व्यवस्था है, पूजा पद्धति, सब लोग हिंदू हैं। तो इस वजह से आपको लगता है कि जब पर्यटन जब शुरुआत होगी, पर्यटन तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आने वाले, मैंने देखा कि जो पर्यटक रहे हैं वो ज़्यादातर हमारे विदेशी पर्यटक हैं, जो कि उन जगह से आ रहे हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म का विकास ज़्यादा हुआ। आपको क्या लगता है कि डोमेस्टिक, अगर मैं टूरिज्म की बात करूँ, अगर मैं अंतर्देशीय टूरिज्म की बात करूँ, तो आपको लगता है कि उसके डेवलप करने के लिए आपको और किस तरीके से इसको और हिंदुत्व से करीब लाना पड़ेगा, इसको हमारे सनातन धर्म से कैसे जोड़ना पड़ेगा? किसी भी पर्यटन केंद्र को किसी विशेष चीज़ से हम नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ सभी लोग आते हैं, तो हम जो कुछ भी यहाँ करेंगे हम सबको ध्यान में रख के करेंगे कि सबका आकर्षण का केंद्र बने कुशीनगर। जब हम इन सब व्यवस्थाओं की बात एक सुर में कर सकते हैं, तो जब बजटिंग की बात आती है, तो फिर अयोध्या का बजट और कुशीनगर के विकास बजट में अंतर क्यों दिखाई देता है? देखिए, कहीं चीज़ कोई निर्माण हो रहा है या कोई चीज़ की नई शुरुआत करनी है, तो वहाँ के बजट में और जहाँ कोई चीज़ पहले से स्थापित है, दोनों के बजट में फ़र्क पड़ जाता है। वहाँ हमको विकास को आगे ले जाना है और यहाँ नए सिरे से विकास करना है, तो थोड़ा सा बजट प्रभावित होता है, इतना ही अंतर है और कोई विशेष अंतर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, आपने बहुत खूबसूरती से एक एक प्रश्न का जवाब दिया, और हम वाकई आशा करते हैं कि अगली बार जब हम कुशीनगर की धरती पर पांव रखें तो हमें यहाँ कुशीनगर नहीं खुशीनगर नजर आए। तो जहां हमने कुशीनगर में
धर्म और आस्था की भावनाओं को देखा। वहीं पे चलते चलते हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा मेला में आए हैं और यहाँ पे हमें ढेर सारे यंगस्टर्स मिले हैं, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कुशीनगर में युवाओं के लिए क्या है। तो चलिए, हेलो एवरीवन। ओके, तो यहाँ पे खूबसूरत से बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मल्लिका रॉय। ओके, सो मल्लिका, कुशीनगर में क्या है, व्हाट इज स्पेशल फॉर यूथ हियर? फिलहाल तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले कुछ इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो फिर कुछ यहाँ मतलब आने का कुछ पर्पस नहीं बनता था, लेकिन अब भी फिलहाल बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं। बाकी आगे भी बहुत सारे, जैसे कि रामाबार हो गया, वहाँ का भी बहुत सुंदर है। ओके, तो अगर मैं आपकी कॉलेज लाइफ की बात करूँ, तो यहाँ कॉलेज कितनी दूरी पे है कुशीनगर में? कुशीनगर का कॉलेज तो यहाँ से बहुत नज़दीक है, लेकिन हाँ, पहले जैसे कि हमें, जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत कम होते थे, अभी मतलब गर्ल्स भी इंटरेस्टेड ले रहे हैं। ओके, तो एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी, जो लेटेस्ट मिस इंडिया 2020, राइट? सो 2020 मिस इंडिया इज फ्रॉम कुशीनगर। तो मैं यहाँ पे, मेरे साथ एक और यूथ है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लग रहा है कि यूथ के लिए क्या क्या है यहाँ पे? मैं बता दूँ कि मान्या ओम प्रकाश शर्मा जो यहाँ से फाइनलिस्ट रनअप थी मिस इंडिया की, और वो यहीं की थी, और वो उनसे हम लोग को बहुत इंकरेजमेंट मिला है, खासकर यहाँ के गर्ल्स को। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आप अभी आके बोटिंग कर सकते हैं, आप अभी आके बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पार्क्स बन गए हैं बच्चों के लिए कि फैमिली पहले बाहर मतलब यहाँ आने से डरती थी शाम को, अब यहाँ पे आराम से फैमिली आके अपने बच्चों के साथ इन्जॉय कर रही हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एज ए टूरिज्म बैकग्राउंड है मेरा, मैंने MBA टूरिज्म से किया है, मैं PhD टूरिज्म से कर रहा हूँ, तो अब मेरा रिसर्च एरिया भी कुशीनगर ही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एरिया और डेवलप करे। पावानगर में सकरी गलियों के बीच हमें दो ऐसी आंखें मिली जिन्होंने पंख फैलाकर ऊंचा उड़ने का ख्वाब देखा है। ऐसे ही कुछ ख्वाब है वंदना का भी। तो वंदना, आपने कहा कि आप BCom फाइनल कर चुके हो, तो आप आगे क्या सोचते हो, मतलब आपका आगे का एम क्या है? जी, मुझे आगे UPSC का प्रिपरेशन करना है। अच्छा, तो क्या आपके फैमिली वाले इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं? मेरे फैमिली वाले मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, पहले तो नहीं करते थे, लेकिन बट अब पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और इधर मेरे गांव वाले भी मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने ये, जैसे कि आपने ये बोला कि आप UPSC की तैयारी करना चाहती हैं, तो क्या UPSC की तैयारी के लिए आपके गाँव में कोई इंस्टीट्यूट वगैरह अवेलेबल हैं? जी नहीं, मेरे गांव में तो इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है, कोचिंग संस्थाएं कोई ऐसी नहीं है जो UPSC का प्रिपरेशन करा सके, लेकिन मेरे गांव से कुछ दूर कुशीनगर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे कुछ कोचिंग संस्थान है जो UPSC का पूरा प्रिपरेशन कराती हैं। बात कुशीनगर की हो और मान्या सिंह जो कि VLCC फेमिना मिस इंडिया डीवा 2020 रही हैं, उनकी बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं मान्या सिंह जी से। मान्या, मैं जानना चाहूंगा, आप कुशीनगर में पली बड़ी हुई, लेकिन वहां पर रह के आपने सपना देखा मिस इंडिया तक पहुंचने का, और वो आपने सच कर दिखाया, तो कैसा रहा यह सफर आपका? बहुत शुभांकर जी फॉर हैविंग मी हियर टुडे। एंड यस, मेरी कुशीनगर से मिस इंडिया तक की जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है मेरे लिए, क्योंकि उसमें मेहनत थी, कमिटमेंट था और हार्ड वर्क था। सो व्हेन आई लेफ्ट कुशीनगर, आई हैड वन थिंग इन माय माइंड, आई एम गोना बी मिस इंडिया एंड मेक एवरीवन प्राउड। बिल्कुल सही। तो मान्या, मैं और जानना चाहूंगा आगे कि आप जिस शहर में पली बड़ी हुई, वो शहर वो है जहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो मैं जानना चाहूंगा कि भगवान गौतम बुद्ध का आपके जीवन पर क्या असर रहा? Well, मैंने अपने होम स्टेट से और गौतम बुद्ध भगवान से मैंने एक ही चीज सीखी है कि ईमानदारी, ऑनेस्टी एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स पीपल, वो चीज मैंने उनसे सीखी है और मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। बिल्कुल। तो मान्या, आप उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि आगे ख्वाब देखते हैं आप ही की तरह मिस इंडिया डीवा बनने का?
वेल शुभांकर जी, मुझे सिर्फ लड़कियों को नहीं उस सारे यंगस्टर को एक मैसेज देना है कि गाइस कीप ड्रीमिंग एंड ड्रीम बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। सर हमने ये सुना होगा ना, गौतम बुद्ध भगवान ने भी बोला है कि योर माइंड इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, वट एवर यू थिंक यू बिकम। सो थिंक बियॉन्ड योर इमेजिनेशन एंड वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम। एंड आई ऑलवेज से दैट इफ यू विल ड्रीम यू विल डेफिनेटली गोना बी देयर एंड हाफ वे ऑलरेडी। So you know, the courage of achieving something in your life will make you the best person in your life, because you are the biggest competition of yourself. So thank you so much for having me here. मैं इस समय खड़ी हूँ विपासना वन में, जो कि शहर कुशीनगर शहर के बिल्कुल बीचों बीच है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जापान के मियावाकी कॉन्सेप्ट में बना हुआ है, जो कि है आर्टिफिशियल जो फॉरेस्ट आप दिख रहा है, इसके उद्घाटन और कॉन्सेप्ट जो है पूर्णा वोरा जी का है। तो मुझे आप रॉय सर थोड़ा सा और बताइए यहाँ के बारे में। असल में ये विपासना वन इसको नाम है, इस स्थान में जापानीज मियाओ की स्टाइल में बनाया गया है। पूर्णबड़ा जी कुशीनगर में आने के बाद ये विपसना वन का पूरा डेवलप किए हैं। ये विपसना वन में उन्होंने यहाँ ग्रुप मीटिंग, विपसना का कैंप, वन डे कोर्स या लॉन्ग कोर्स टेंट लगा के, इसके अलावा स्कूल चिल्ड्रन का एक्सकर्शन वगैरह करते हैं, जो लोग आके यहाँ प्लान के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी लोग आके यहाँ जो है शाम को टाइम में, समर में यहाँ आके पूरा परिवार लेके आके यहाँ बैठते हैं, आनंद उठाते हैं। लोकल लोग भी यहाँ मेडिटेशन के लिए ज़रूर आते होंगे, क्योंकि विपासना सेंटर है ये। हाँ जरूर जरूर, लोकल लोग, लोकल स्थानीय लोग, जो लोग मेडिटेशन योगा वगैरह जानते हैं, यहाँ सुबह आता है, शाम को आता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है। यहाँ पूरा पूरी वातावरण जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यहाँ आके साधना करने के लिए सबको अच्छा लगता है। पूर्णबड़ा जी कुशीनगर में आने के बाद आप लोग देख ही चुका है, बुद्ध घाट का एकदम नया विकास का रूप में नया बना दिया है, जिसके लिए आम आदमी कुशीनगर वहाँ जाते हैं। छटिया गांव में, फाजी नगर में उन्होंने जो रास्ता नहीं था भगवान अंतिम भोजन का स्थल, वहाँ भी उन्होंने जाने के लिए रास्ता रोड बना दिए है, तो आम आदमी वहाँ जा पाता है। साथ में ये जो विपसना वन का उन्होंने जो मियाओ की स्टाइल में बना दिए है, इसको शेप अप कर दिया है, इसके लिए लोग उनको पूर्ति काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं। हम लोग आम कुशीनगर निवासी जो है, हम लोग चाहते हैं कि पूर्णबड़ा जी लंबे से लंबे समय तक कुशीनगर में रहे और इसको विकास में और भी विकास करे, जो जितना विकास किया और भी विकास करे, और कुशीनगर को एक संपूर्ण महानगरी के रूप में देखे जाए। और साथ में मैं आप लोगों को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली शुभंकर जी और सिमुल जी और प्राइम टीवी चैनल को, आप लोग का कैमरामैन और साथ हेल्पर जो लोग हैं, सभी लोग को हम मेरे आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग इतना दूर से आए और कुशीनगर के विकास के लिए आप लोग सब एक एक इंसान को जो है, एक एक अधिकारी, एक एक मंक, सभी लोगों को आप इंटरव्यू लिए और इसको सभी जगह को आप दर्शाए आपका प्राइम टीवी के माध्यम से, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। रॉय सर हमारी भी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, हम आशा करते हैं जल्दी आपके साथ फिर वापस आएं।